सब डिवीजन खोड़ की पंचायत सैंथ में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत लोगों ने भाजपा नेताओं का घेराव करते हुए सैंथ पंचायत में काम न होने और टीएसओ ऑफिस खोड़ में रिश्वत लेकर राशन कार्ड बनाने के कई आरोप लगाए। सैंथ गांव के लोगों का कहना है कि 20 साल हो गए हैं, आज तक हमारे राशन कार्ड नहीं बने। ये लोग पैसे लेकर राशन कार्ड बनाते हैं और हमारी पंचायत में ना तो गलियां बनी हैं, ना नालियां बनी हैं और ना ही सड़क बनी है। यहाँ के पूर्व पंच मंगाराम शर्मा का कहना है कि हमारी पंचायत के बहुत सारे मामले, लेकिन अब भाजपा नेता मनमोहन सिंह द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आप खोड़ हमारे ऑफिस में आएं और आपके काम हम खुद चलकर करवाएंगे। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल भगत भी मौके पर पहुंचे और जेके अपडेट के संवाददाता ने जब डॉक्टर कृष्णलाल से सवाल पूछे कि लोगों ने इस पंचायत में कोई भी काम न होने को लेकर काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं कि इस पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर गलियों नालियों सड़कों और बहुत सारी समस्याओं को उजागर किया है, यहाँ पर नहीं हुई है, तो डॉक्टर कृष्णलाल भगत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। आज विधानसभा संघ की पंचायत सैंथ में हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जैसा पूरे देश में अभियान चल रहा है मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत, जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है और हमने आज इस पंचायत में घर घर जाकर जो अमर शहीद वाटिका दिल्ली में बनने जा रही है उसके लिए हर घर से एक चुटकी मिट्टी कलशी में इकट्ठी की है और ये मिट्टी हम वहाँ पहुँचाएँगे ताकि इस पंचायत का योगदान भी उस अमर शहीद वाटिका में हो, उसी के प्रयास के लिए आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया। सर, लोगों ने आपका घेराव करते हुए काफ़ी संगीन आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे गलियों नालियों की समस्या बनी हुई है और मेन समस्या है रोड की जो अभी तक नहीं बना हुआ है, और इन्होंने राशन कार्ड के इशू उठाए हुए हैं कि टीएसओ ऑफिस में रिश्वत ली जाती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ जो लोगों ने अपनी बातें बताई हैं तो जो भी समस्या इन्होंने बताई है तो हमने इनकी समस्याओं को सुना है और हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे, जो भी इनकी समस्याएँ हैं डिपार्टमेंट से बात करके उन्हें हल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और जल्दी ही इन समस्याओं का हल करेंगे। ये जो कार्यक्रम है ये नेशनल प्रोग्राम है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक आह्वान किया है, वो शहीद वो वीर जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी देश के लिए, उनकी याद में दिल्ली के अंदर एक वाटिका बनाई जाएगी जिसमें शहीदों के घरों से और गांव-गांव से मिट्टी लेकर के, पहले ये ब्लॉक लेवल पर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल से लेकर के प्रदेश में जाएगी, उसके बाद ये दिल्ली जाएगी, वहाँ पर एक अमर शहीदों के नाम की एक वाटिका बनाई जाएगी, ऐसा आह्वान किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और ये जो सैंथ गांव है, बॉर्डर का गांव है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी है यहाँ पर और ALC भी है, दो बॉर्डर यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ के लोग कर्मठ हैं, दलेर हैं, वॉरियर हैं, चाहे वो 65 की बात हो, 71 की बात हो, 47 की बात हो, तब से ये विस्थापित हुए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई और आज माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप ये सड़कें देख रहे हो, नालियां देख रहे हो, यहाँ पर एक मंदिर है, एक बाथरूम है, वहाँ पर MPLAD से हमने पैसे दे करके वो बनवाया है, सड़कें बन रही हैं और साथ ही यहाँ पुल बन रहा है और सामने 4.5 लाख की मैंने ये फेंसिंग करवाई है, फिर भी जो प्लान में आते हैं पैसे वो जैसे बाकी गांव में डेवलपमेंट हो रही है यहाँ भी हो रही है, वो उसमें थोड़ा सा क्या है कि ये मैंने अपने एक्शन से चीफ से बात की, वो बोलते हैं ये प्रधानमंत्री ये सड़क योजना उसमें आई है, दूसरों को बोलता हूँ जब PWD कहते हैं जी हमारे पास नहीं है, ऐसा करके थोड़ा सा इनको पता नहीं है किस में है, लेकिन अब मैंने बात की है एक्शन से और चीफ से, मैं जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करो और मुझे उम्मीद है कि 1-2 महीने के अंदर ये बहुत अच्छा रोड आपको मिलेगा। समस्या सर इतने लोगों की 2-4 समस्या ने इतने जड़ियाँ ज़्यादा, एक तो TSO ऑफिस की समस्या आवा दी है लोगों की, अज इतना अं प्रोग्राम किया मेरी माटी मेरा देश, लोगों सड़ा काफ़ी बड़ी चढ़ी है,
ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ TS ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ HP ਕਰੀ ਜੁੜੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ BPL ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਖੇ ਗਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ EWS ਕੋਈ ਫਾਇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਖੋੜ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਦਾ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ। जुपिटर मोटर लाए हैं महाराजा हरि सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष ऑफर। अब लेड एसिड काइनेटिक ई रिक्शा मिलेगा सिर्फ 1,95,000 में, वो भी ऑन रोड। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी, खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वाट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आजादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, USB चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक, राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स बिहाइंड साईं सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके।